हेलो गाइस, वेलकम टू रैंक सिमुलेटर। अपन बहुत टाइम बाद ये गेम खेल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बुक में क्या है। ओ, ये वाला नया दिख रहा है, ये नया दिख रहा है, ग्रीन हाउस डोर। ग्रीन हाउस डोर फ्रेम है, ग्रीन हाउस डोर है, क्रॉप प्लॉट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अच्छा, ये प्लांट, ओ ये ग्रीन हाउस प्लांटिंग, ओके प्लांट्स के लिए है ये ग्रीन हाउस। ओके 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 ओके, अपन अभी आज फिर वही करते, देखते हैं भाई प्लांट्स के लिए मतलब क्या, प्लांट्स के लिए मतलब क्या, इस गेम में प्लांट भी आया है वो जाके अपने को चेक करना पड़ेगा। अपन चलते हैं स्टोर्स में चेक करते, तो स्टोर में चलते हैं और चेक कर दे कि भाई स्टोर्स में ऐसा क्या क्या नया आया है। बाय द वे, अगर तुमने ये नहीं देखा रहेगा तो भाई ये अपना हनी बी का फार्म है। अपन इधर हनी बी ये करते रहे भाई, हनी निकालते इधर। हाँ, इसके अंदर। और बाय द वे, ये फर्स्ट पर्सन में क्यों खेल रहे हो, थर्ड पर्सन में खेलो। हाँ, लेट्स गो, अभी चलते हैं और चेक कर लेते हैं क्या क्या आइटम आए हैं अपने रेंच के अंदर, मतलब अपडेट में क्या क्या आया है, मैंने क्या क्या मिस किया इतने दिनों, इतने मतलब एक्चुअली 2 महीना हुआ रहेगा मैंने खेला नहीं, क्या क्या मिस किया चेक कर लेते हैं। अरे माँ, गाड़ी वाड़ी भी चल रही है। अबे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या है? अरे वो गाड़ी हवा में कैसे उड़ रही है? रुको, फिर कुछ क्लिच है क्या? रुको, ओके नहीं ठीक है, मुझे सर मुझे क्यों लगा कि ये वाली गाड़ी हवा में उड़ रही है भाई। और मैंने उसको टोका तो थोड़ी सी आगे चली गई। ओके, अभी ये लोग ने थोड़ा सा ट्रैफिक ऐड किया है गेम के अंदर, मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है, अभी अच्छा लग रहा है। अभी ये लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा भाई तो जान आ रही है, मतलब गेम के अंदर नहीं तो पूरा रोड खाली था। अभी इनसे भी मतलब डील करना पड़ेगा, मतलब रास्ते में कभी कभी चलते जाते इनको ऐसा ठोक देंगे अपन। ओके, बर्गर शॉप में क्या नया है चेक कर लेते भाई। बोरगीर बॉय को अब तक वो लोग ने कपड़ा चेंज किया क्या, मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी, अभी तक वैसे उधर ही उधर। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और हाँ, मैंने अपनी गाड़ी गलती से इधर पार्क करी तो ये लोग रुक गए, मतलब हाँ भाई सेंस है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई लिटरली गाड़ी को ठोक के जा रहे, नहीं नहीं सेंस है, थोड़ा सा सेंस दिया है ये लोग ने। अभी हार्डवेयर स्टोर में जाके चेक कर लेते उधर क्या नया आया है। स्लोली स्लोली आराम से भाई, स्लोली भाई धीरे चलो जी। अरे अपने भालू तो इधर ही रहेंगे ना बहुत सारे, जो अपन ने पाल के रखे थे। रुको रुको, चेक कर दे, इधर ही सोने को मांगता है। हाँ, अरे अपने सारे भालू इधर ही है भाई। अरे ये मेरे को क्या ऐसा क्यों दिखा रहे भाई, पहली बार नहीं आ रहा हूँ इधर। एंटर करो, 1 2 3 4 5 6। अरे मतलब 6 6 भालू सो रहे हैं यहाँ पे, एकदम आराम से मजे करो भाई। मैं चेक कर लेता हूँ नया क्या है, और कुछ एकदम न्यू आइटम दिख रहे नहीं क्या मेरे को, नथिंग। अरे बस ग्लास ही है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नया चीजें नहीं है, अपन जाके चेक करते हैं हार्ड जनरल स्टोर में। जनरल स्टोर में क्या नया आया है, मेरे को एक्चुअली चाहिए ये गो शीप चाहिए मेरे को। टोमेटो, अरे भाई टोमेटो सीड, स्ट्रॉबेरी, अरे भाई साहब पम्पकिन वम्पकिन, अरे रे रे टोमेटो सीड, स्ट्रॉबेरी सीड, पम्पकिन, वाटरमेलन, कैबेज, ग्रेप्स, बेल पेपर, पाइन एप्पल, फर्टिलाइजर, ओके, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कंपोस्ट, कंपोस्टर और स्प्रिंकल्स। अरे भाई बहुत सारी चीज़ है यार यहाँ पे तो। बेल पेपर, एक बेल पेपर ले लेते बस, ठीक है 40 हो जाएगा। ओके 700 हो गया, नेवर माइंड, मैं बहुत, अरे मेरे पास 5 लाख है भाई। 700 तो लगेगा भी नहीं मैंने कुछ परचेस किया है। ओके गाइस, तो मैंने सब कुछ एकदम वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे और इसके अंदर सीड्स है सारे, ये जो चार है ना इसके अंदर चारों सीड्स है। अभी चलते हैं, मतलब चार कुल के अंदर तो चार कूलर के अंदर टोटल 10 सीड है। और मैं ग्रीन हाउस बिल्ड करूँ तो किधर बिल्ड करूँ, एक टेम्पररी यहाँ पे एक बिल्ड करके देखे कि कैसा दिखता है करके। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बनाता हूँ ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ये ऐसे 1, ओके अपन ने बेस बना दिया। अभी अपन ना यहाँ पे ओके ग्रीन हाउस वॉल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 1 2, मेरे को ना 2 डोर बनाना है उसके जैसा, तो अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक रखा तो वहाँ पर और वहाँ पर दो, ओके 2 डोर बन सकता है, तो 2 डोर बनाते हैं। एक डोर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और एक डोर रखेंगे यहाँ पे। ओके ग्रेट, अभी इसके अंदर अपने को वुड डालना पड़ेगा, वुड और क्या डालना है, वुड और ग्लास डालना पड़ेगा, ग्लास 2। ये वाला अपडेट काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये ना इसमें अपने को
थोड़ा लाइफ देखने को मिल रहा है, नहीं तो पहले ऐसा डेड था पूरा हर जगह, मतलब बंजर ही बंजर, कोई था ही नहीं यहाँ पे। अभी तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ घूम रही, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ये वाले अपडेट में। ओके गैस, तो मैंने 50 वुड ले लिए और ग्लास ले लिए चार, चार मतलब ये एक में 20 है तो इतना इनफ हो जाएगा। और क्या स्पीड में जा रहा हूँ मैं, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे भाई, अरे भाई बिना टुके। ओके, कुछ ज़्यादा ही स्पीड जा रहा था मैं। एक नंबर दिख रहा है यार ये ग्रास, मतलब ग्लास लगाने के बाद कितना मस्त दिख रहा है। एपिक एपिक, ये वाला अपडेट बहुत एपिक है एक्चुअली। अभी और उसका रू अभी इसका रूफ टॉप बना लेते हैं। चार बचाए मेरे पास, 1 2, डोंट टेल मी मैंने एक्यूरेट, अरे भाई ग्लास खत्म हो गया गाइस, मैंने एक्यूरेट ग्लास लाया जितना चाहिए उतना। अरे भाई साहब, मैंने गिनती विनती मिलता नहीं यहाँ पे, थोड़ा बचा हुआ है। ओके नेवर माइंड नेवर माइंड नेवर माइंड, नहीं, कुछ देख, कुछ नहीं कुछ नहीं। दीवार दीवार सेलिब्रेशन कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ये अपना ग्रीन हाउस बन चुका है, लेकिन हाँ दिस इज नॉट इट, अपने को इसको कलर करना पड़ेगा, इसके अंदर क्रॉप्स वॉप्स उगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्रॉप्स उगाने का ये रख लेते हैं, ठीक है। One eternity later. ओके, ये साइड मेरे को थोड़ा सा और वुड चाहिए, तो मेरे को वुड बाय करना पड़ेगा। लेकिन है ना, फिलहाल मैं ये साइड का थोड़ा सा बना के क्रॉप्स ग्रो करता हूँ, ताकि है ना अपने को देखने को मिले कि भाई क्रॉप्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसमें फटक से ये डाल देता हूँ, वुड्स डाल देता हूँ, ठीक है। जितना मैंने अभी बनाया है उसमें वुड्स डाल देता हूँ। स्पार्कल्स, हाँ का काम है पानी देना। नो, अरे विंड मिल, ओके ओके विंड मिल बनाता हूँ मैं। विंड मिल बनाना बहुत ईजी है, काम करते इधर बनाऊ गया। ओके विंड मिल बन गया। ओ सेकेंड वाला फर्टिलाइजर ही है। ओके थर्ड वाला मुझे लग रहा है क्रॉप्स ग्रो होते वो है, और फोर्थ वाला मेरे को पता नहीं, अभी देख लेते हैं क्रॉप्स ग्रो होने का, वेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्रॉप्स धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। ओके तो अभी अपना टोमेटो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अभी अभी ग्रो करता है पम्पकिन, पम्पकिन के लिए ये लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वाटरमेलन 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये वाटरमेलन है। फर्टिलाइजर डाल देते सबके अंदर, फर्टिलाइजर खत्म हो गया। ओके नेवर माइंड, कितना मस्त लग रहा है यार वो। आगे अभी इनका वेट करते हैं ग्रॉप क्रॉप्स ग्रो होने का, तब तक अपन वुड लेके आते हैं, क्योंकि अपने को ये भी फिल करना है ना। चलो फटक से वुड लेके आते हैं, तब तक वो क्रॉप्स ग्रो होते रहेंगे। ओके गैस, तो ओके गैस जितना वुड चाहिए मैं लेके आ गया, अभी अपन फटक से लगा देते हैं। कुछ थोड़ा सा ही वुड चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी ऑलरेडी थोड़े वुड लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये लो 1 2 3 एंड देन दिस इज लास्ट। अरे एक और एक और एक और ये लो, ठीक है। अभी देखो मैंने ये प्लांट अभी अभी किया था और कितने जल्दी ग्रो हो गए देखो ये भाई साहब, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। पानी ठीक है, पानी बराबर है, ये पानी ऑटोमेटिक होना चाहिए था यार, ये ऑटोमेटिक ही है। ये 40% ग्रो हो गया है, और ये 100% हो गया है यार, फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं है। रुको रुको रुको, और ये तो अरे कर लो फिर हार्वेस्ट कर लो। अच्छा पीछे का 83% हुआ है और वो रीग्रो हो रहा है। अरे भाई ये तो बहुत सही है, ये बेल पेपर है राइट, हाँ ये बेल पेपर। अरे 10 बेल पेपर मिल भी गया सिर्फ इतनों सा सीड डालने से भाई। ओके तो मैं काम करता हूँ। अरे उठता है, अरे इतनी जल्दी ये ग्रो भी हो गया भाई, वाटरमेलन तो बहुत हार्ड है भाई। अरे ओके क्या इतने जल्दी करो, अरे भाई भाई क्या चल रही है। ओके अभी ये धीरे धीरे ग्रो होते रहेगा, और इसको यहाँ पर रख दो भाई साहब, फर्टिलाइजर बहुत लगेगा अपने को, और ऑलमोस्ट तो अपना ये हो चुका है। अभी धीरे धीरे ग्रो होते रहेगा, मैं काम करता हूँ इसको कलर कर लेता हूँ। अपन जमीन को ब्राउन करेंगे ताकि वो मट्टी से मैच हो, समझ रहे हो। हाँ ये ऐसा लग रहा है मट्टी है, समझ रहे हो। मैं अंदर से कलर करूँ या बाहर से, दोनों साइड से ग्रीन ही करना पड़ेगा, सही दिखेगा। ये जो हाईलाइट हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में यार,
ऑनेस्टली। हाँ ना, ये ले ये ले ये ले। हैं, अरे इसको भी ग्रीन अपने आप हो जाना चाहिए था ना, ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके तो मुझे ग्रीन बाय करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतना ग्रीन है नहीं। मैं अपने ग्रीन हाउस को अंदर से तो एकदम, और अंदर से मस्त दिख रहा है मेरा ग्रीन हाउस, नहीं क्या? मैं काम करता हूँ ये ग्रीन कलर लेके आता हूँ ताकि अपन अंदर से वो कलर कर दें, पूरा वही यही कलर करेंगे पूरा। तो गाइस मैंने इसको यहाँ से भी कलर कर दिया और ये अंदर से भी पूरा अच्छे से कलर कर दिया, और डोर को मैंने ग्रे कलर किया हुआ है। और बाहर से भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, बाहर से पूरा ग्रीन ग्रीन ही किया है जैसा अंदर है वैसे सेम, और डोर को मैंने ये कलर किया है। और देखो पहले ही दिन में इतने ज़्यादा अपने को वाटरमेलन और पम्पकिन मिल गया भाई। ये मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे बेचते हैं और फिर अपन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे अर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पम्पकिन उगाएंगे भाई, पम्पकिन नहीं वाटरमेलन, पम्पकिन जो भी सब कुछ जितना भी वेजिटेबल है सारा उगाएंगे, देखेंगे कहाँ पे जाके बेचना है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। फिलहाल तो मेरे पास बहुत पैसा है यहाँ पे 580,000 है, लेकिन स्टिल ये वाला अपडेट बहुत अपिक था। तो चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो। अपन अपन मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।